हेलो गाइस, तो हम आपको आज घुमाएंगे तिरुपति टेंपल और इसके रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू लव वीडियो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कोलकाता में घुमाने आपको तिरुपति मंदिर। तो हम चलते हैं सबसे पहले लेक टाउन और लेक टाउन से होते हुए जाएंगे श्रीभूमि, क्योंकि श्रीभूमि के जस्ट पास में ही है तिरुपति टेंपल बना हुआ और इसका रहस्य आप लोग को जानकर हैरानी होगी, क्योंकि यार बिना घी के दिया जलते रहते हैं सालों भर। और ये लेक टाउन से होते हुए हम लोग एंटर करते हैं हम लोग तिरुपति टेंपल घूमने के लिए। और तिरुपति टेंपल जो कि ओरिजिनल वाला आंध्र प्रदेश में है और जो कि तिरुपति जिला का नाम है, और हम आंध्रा नहीं जाकर बल्कि कोलकाता में ही घूमते हैं तिरुपति टेंपल। और हम लोग देखते हैं कैसा है तिरुपति टेंपल। और ये रहा एंट्री गेट और यहाँ से हम लोग इंटर करते हुए जाते हैं और हम लोग आज दर्शन करेंगे तिरुपति टेंपल का और देखते हैं कैसा बना हुआ है पंडाल। तो हम लोग आ चुके हैं एकदम नज़दीक अब, और हम लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि भीड़ है, ऑटो अलाउ नहीं है। तो हम लोग पैदल अपने पैरों से चलते हुए हम लोग सीधे दर्शन करने जाएंगे। और ये रहा बालाजी तिरुपति टेंपल। तो हम चलते हैं दुर्गा माँ का दर्शन करने, क्योंकि ये कोलकाता में तिरुपति टेंपल है जो कि ओरिजिनल वाला आंध्रा में है। और हम लोग माता से दर्शन करने के लिए अब हम पंडाल के अंदर इंटर कर गए हैं। और ये रही माता और ये रहा खूबसूरत ही पंडाल जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और ये रही दुर्गा माता। अब लोग हम लोग दुर्गा माता का दर्शन करने में बहुत दूर से आए हुए हैं और हम लोग माता का दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पंडाल है और बहुत अच्छा से डेकोरेट किया गया है। और हम काफ़ी दूर से आए हैं और हम पटना से गए हैं कोलकाता सिर्फ पे पंडाल को देखने और माता का दर्शन करने, क्योंकि कोलकाता का दुर्गा पूजा एकदम टॉप पे आता है तो यहाँ पे एकदम जाना आवश्यक है। और यहाँ पर हमको आकर बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग सीधे आ जाइए श्रीभूमि, कोलकाता में ये जगह का नाम है। और हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करके बाहर निकलेंगे। और हमको दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत पंडाल था, तो हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।